चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंद जहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी पर मैं यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। गत गल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री दशरथ महाराज वशिष्ठ को बुला करके बच्चों का नामकरण संस्कार करवाए, इसलिए दस संस्कार में एक नामकरण संस्कार है। इसलिए हमारे शास्त्र भगवान राम का जीवन में जो कुछ उनका जीवन में घटित हो रहा है अगर इसको हम अपना जीवन में अगर उतारे तो जीवन हमारे सुखमय हो जाएगा। ये संस्कार का एक बहुत बड़ा महत्व है। देखो एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, मैंने वहां पर ये नामकरण संस्कार की क्या महत्व हमने बताया, क्यों ये नामकरण संस्कार चाहिए हाँ? और नाम कैसे रखनी चाहिए, अपना मन मर्जी नहीं शास्त्र के अनुरूप। ये कथा के बाद में एक माता ने मेरे पास में आई, बोले बाबा आपने सही बताया है। मैंने कहा भैया क्या बात है, कहते मेरी दो बेटी है और हमने ये किसी ब्राह्मण ज्योति को पास में हम गए नहीं, बेटियों का नाम मनमानी रख दिया। हमारे भारत का संस्कृति है शादी से पहले बेटी का जन्म पत्री बेटा का जन्म पत्री मिलाते हैं हाँ? क्योंकि हमारे भारतीय जो संस्कृति है पति पत्नी जिंदगी भर रहे, ऐसे नहीं एक दिन दो दिन रहा और बीच में छोड़ दिया, ये संस्कृति शिक्षा नहीं देता है। फिर तो हम भजन कभी कर ही नहीं सकते हैं, जिसका मन अलग अलग स्त्रियों में जाता है वो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता है वो व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कृति ये शिक्षा देता है, इसलिए शादी से पहले बेटी और बेटा का जन्म पत्र मिलाता है। जन्म पत्र मिलेगा कैसे, अगर नाम संस्कार अगर ठीक हो तभी तो जन्म पत्र मिलेगा।
क्योंकि जो नाम रखते हैं भारत में ऐसे तैसे नाम नहीं रखते हैं, वो जन्म नक्षत्र को देख करके जन्म रखते हैं। हाँ, वो कौन सा समय में जन्म हुआ, दिन क्या, समय कहाँ, पंडित एक अक्षर निकालता है, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भक्ति संबंधी, भक्त नहीं तो भगवत संबंधी कोई नाम रखते हैं। नाम का भी बहुत महत्व है, जैसे गोविंद, कृष्ण, दामोदर, राजन, जैसे हाँ, जैसे जितना जो नाम भारत में, क्योंकि भगवान और भक्ति संबंध होने पर जब जब नाम का हम बुलाते हैं तब तक भगवान और भक्तों का याद आता है। हाँ, इसलिए ये सब हमारे संस्कृति है। बोले हम बेटी का नाम जैसे तैसे रख लिया और जन्मपत्री मिलाया, मिला ही नहीं, हमने शादी करवा दिया और अभी दो बेटी, अभी दो दिन बाद में लड़ाई झगड़ा घर में हुआ, अभी घर में वापस आकर के घर में दो बेटी बैठे हुए। और भारत में जैसे इधर नहीं, बेटी भी काम करता है, बेटा भी काम करता है। हाँ, अभी तो भारत में करने लग गए, वहां पर तो बेटी संपूर्ण पति के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, इसलिए कहते बाबा बड़े दुखी है, दो दो बेटी घर में बैठी हुई है, शादी के बाद में इतना पैसा खर्चा करके हमने करवाया, अभी घर में बैठी। इसलिए भगवान राम ने कहते जो जो शिक्षा भगवान राम ने दिया है वो सबके सब शास्त्र का अनुरूप है। इसलिए जो डाइवोर्स है, भारत में कभी डाइवोर्स नाम था ही नहीं है, इसलिए भारत में अभी 50% डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन पहले भारत में कोई डाइवोर्स नाम का कोई सुने नहीं होंगे कभी डाइवोर्स हुआ है। जिंदगी भर एक बार शादी हो गया, जिंदगी भर दोनों बड़े प्रीति पूर्वक रहते थे और ठाकुर जी की सेवा करते हुए, गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए। इसलिए यहाँ पर श्री दशरथ महाराज वशिष्ठ को बुला करके हाँ, इसलिए उनका नामकरण संस्कार करवाया। कहते ये एक संस्कार हो गया, कि दूसरा संस्कार है अन्नप्राशन। अभी लाला अभी बड़ा हो गया, अभी घुटन पर चलने लग गए। जब घुटन पर बच्चा चलता है, सामने जो चीज देखता उसको खाना चाहता है, मुंह में डालता है। अभी दशरथ महाराज वशिष्ठ को पास में गए, बोले गुरुजी ये बच्चे जो देखते हैं वो चीज मुंह में डालते हैं। हाँ, बच्चों का एक स्वभाव होता है। बोले अभी क्या करनी चाहिए, बोले अभी इनका अन्न प्राशन करनी चाहिए। तब अभी गुरु जी ने बोले बढ़िया खीर बनाओ, हाँ, और कुछ कसली चीज बनाओ, बना करके ठाकुर जी को रंगनाथ जी को भोग लगाओ, तुलसी पता दे करके। अभी गुरु जी आए, गुरु जी आकर के स्वस्ति वाचन पढ़े, हाँ, और चार भैया, तीन माँ को गोद में, एक श्री दशरथ महाराज के गोद में। अभी ओम स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अच्युतानंद, स्वस्ति न वासुदेव विष्णु दधातु। हाँ, ये जो मंत्र है ये वेद मंत्र है, इसको उच्चारण करने पर बच्चों का ऊपर में अच्छा संस्कार पड़ता है, क्योंकि ये वेद मंत्र है। इसलिए उन्होंने स्वस्ति वाचन पढ़ करके अभी हाँ अभी अंगुल में खीर को लेकर के वशिष्ठ जी पहले प्रभु राम को दिए। जब राम को दिए पहले मीठा मीठा, बच्चों को अच्छा लगता है, राम तो खा लिए मीठा मीठा चीज को, हाँ, और अभी कसले चीज कौड़ले चीज लेकर जब दिए, इतने में राम तो मुंह में लगाया फिर मुंह मोड़ दिया, क्योंकि वो कड़वे है, हाँ, मीठा नहीं। लक्ष्मण ये चीज को देख करके लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण का जो विशेष प्रीति है भगवान राम का प्रति विशेष प्रीति है। लक्ष्मण चाहते हैं मैं तो अपना प्रभु को केवल मीठा मीठा ही खिलाऊंगा, कभी कड़वा चीज हम नहीं खिलाऊंगा, केवल मीठा मीठा ही खिलाऊंगा। हाँ, अभी रामचंद्र का भगवत प्रसाद में अन्न प्राशन हो गया, अभी भरत जी का अन्न प्राशन होगा। अभी भरत जी का अन्न प्राशन में अभी उनके लिए अलग कटोरी, चार भाइयों के लिए अलग अलग कटोरी था। जब भरत जी को खीर खिलाने के लिए गए, भरत जी ग्रहण नहीं किया। वशिष्ठ जी देखे ये मुंह में ले नहीं रहा क्यों, वो समझ गए भरत केवल भगवान राम का प्रसाद ही
लेना चाहता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने बताए, भरत जी को जिस कटोरी से खीर श्री राम जी को खिलाया उसी कटोरी का खीर श्री भरत जी को दिया जाए, क्योंकि भगवान राम का प्रसाद है। फिर भरत जी और राम जी का प्रसाद को ग्रहण किया। ऐसे ही भगवान का प्रसाद को द्वारा पहले तो रंगनाथ जी का, रंगनाथ तो स्वयं राम ही है, इसलिए भगवत प्रसाद को द्वारा सर्वप्रथम बच्चों को मुंह में ये अन्न दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है जो भगवत प्रसाद को द्वारा ही बच्चे का ये अन्न प्राशन कराया जाए। हाँ, कभी ये दूसरा संस्कार हो गया। फिर होता है कर्ण भेद संस्कार, कान को छेद करते हैं। फिर चूड़ाकरण होता है, जो मुंडन करके ठाकुर को सामने मुंडन करके सबसे पहले चोटी रखते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति है। हाँ, चोटी हमारी होनी ही चाहिए। जैसे मुसलमान क्या करते हैं, दाढ़ी रखते हैं। हिंदू लोग जो करते हैं वो संपूर्ण उल्टा करते हैं। हाँ, सब उल्टा देखना सबके सब। इसलिए हम ऊपर हम ऊपर रखते हैं और वो नीचे रखते हैं। इसलिए ये चोटी धारण करनी चाहिए। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, कहते हे गुरुदेव, कब आपकी कृपा होगा जो कि आप हमारा चोटी को पकड़ करके आप हमें अपना धाम में ले जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति कुआं में पड़ा हुआ, हम कैसे उठाएंगे चोटी, कोई चीज को पकड़ करके उठाएंगे ना। उसी तरह जो हम चोटी रखते हैं, कहते ये गुरुदेव उसको पकड़ करके जीव को भगवत चरण में ले जाते हैं। और जिस स्थान पर हम चोटी रखते हैं, कहते वह स्थान ब्रह्म ज्ञान का स्थान है, जहाँ बुद्धि ज्ञान रहता है। जैसे आप देखना, जैसे जैसे धूप में जैसे हम काला चश्मा पहन करके जाते हैं, क्योंकि काले चीज के ऊपर में सूर्य का अफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह ये जो यहाँ पर जो हम रखते हैं, ये स्थान ब्रह्म ज्ञान का स्थान है। और उसमें जो गांठ लगाते हैं, जैसे जो ज्ञान है वो निकल नहीं जाए रहे, इसलिए हम उसमें गांठ लगा कर रखते हैं। इसलिए स्त्रियां का भी पहले भारतीय संस्कृति था, कोई स्त्री केस को खोल करके रख नहीं सकते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हाँ, इसलिए कभी माता दीप्ति ने कभी अदिति ने कभी उन्होंने केस खोल कर सो गया तो पाप प्रवेश कर गया उसको अंदर में। इसलिए पहले स्त्रियां, हर स्त्रियां, हाँ, कभी भी अपना केस को कभी कोई खोल कर नहीं रखते थे। हाँ, सबके सब अपना बेड़ी बांधती थी, उसमें चोटी लगाती थी हर स्त्रियां। ये हमारी संस्कृति है। अभी सारे दुख का कारण यही है, अभी हम अभी कोई ये संस्कृति को नहीं अपना रहे, इसलिए दुखी दुखी जीवन में, सबके सब दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। किसी संसार में जाकर देखो, कोई सुखी नहीं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, कोई परिवार से। क्योंकि हमारे शास्त्र जो शिक्षा दिया है, पत्नी की आचरण अभी बता रहे थे ना, पत्नी कैसे होनी चाहिए, सीता जैसे, पति राम जैसे होनी चाहिए, बच्चे, हाँ, बच्चे श्रवण कुमार जैसे होनी चाहिए, पिता माता की सेवा करे जीवन भर। हाँ, पिता माता की सेवा करे। भरत भाई कैसे होनी चाहिए, भरत जैसे हमें भाई होनी चाहिए। पूरा राजगद देने पर भी स्वीकार नहीं किया, बोल नहीं, राजा तो बड़े भाई बनेंगे, हम तो उनको सेवकाई करेंगे, राज्य को उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ, इसलिए भाई हो तो भरत जैसे हो, लक्ष्मण जैसे हो, शत्रुघ्न जैसे हो। हाँ, इसलिए ये पूरा आदर्श चरित्र है। अगर इसको हम आचरण करेंगे हम तो सुखी सुखी रहेंगे। इसलिए कहते ये धीरे 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 भगवान का जीवन में, ये सारे संस्कार भगवान का जीवन में सबके सब संस्कार हुआ है। अभी भगवान और थोड़ी सी जब भगवान हो गए एक साल के हो गए, एक साल के होने पर अभी मैया कौशल्या ने बड़ा सुंदर उन्होंने खीर बनाई। जन्मोत्सव बेटा का हम करते हैं ना, बर्थडे बनाते हैं, अभी उनका बर्थडे, उन्होंने बढ़िया बढ़िया उन्होंने आलू पूरी की सब, आलू पूरी सब्जी खीर, हाँ, बड़े सुंदर सुंदर पिज्जा पास्ता के जैसे यहाँ पर बनाते हैं। इसलिए बढ़िया बढ़िया उन्होंने
प्रसाद बना करके उन्होंने श्री रंगनाथ जी को भोग लगा करके मैया किसी काम में गई। भगवान राम ने कहा जन्म तिथि मेरा और भोग खाएगा रंगनाथ। जन्म तिथि मेरा और भोग खाएगा रंगनाथ। इतने में रामचंद्र क्या किया, घुटन वहां पर चलते चलते गए जाकर के रंगनाथ जी जो भोग लग रहा था ना, बस भगवान तो हाथ बढ़ा कर खाने लगे और हाथ नहीं गया तो था बड़ा थाली में खीर था। रामचंद्र खाते खाते पूरा थाली को बीच में जाकर प्रभु बैठ गए, बैठ बच्चे है ना एक साल के बैठ करके खाने लग गए। वर्णना करते प्रभु कैसे लग रहे हैं, कहते खीर का रंग कैसे, बोले सफेद, बोले प्रभु राम का रंग एकदम नीलमणि जैसे है, श्याम दुर्वादल श्याम जैसे, मानो ऐसे लग रहा था मानो गंगा में ये जमुना कूद पड़े। गंगा सफेद रंग पानी, जमुना का पानी कैसे है काला रंग, मानक गंगा में जमुना जैसे प्रवेश कर गया, बैठ कर खा रहे। इतने में मैया ने आकर के देखा, हाँ मैया आकर देखती हैं, अरे राम तो बैठ करके रंगनाथ जी का प्रसाद खा रहे हैं। इतने में मैया बोली ये ठाकुर का प्रसाद ये झूठा कर दिया। फिर मैया जहाँ रामचंद्र सो रहे थे वहां पर जाकर देखती हैं, बोले वहां पर राम लेट रहा है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर भी बैठ कर खा रहे हैं, यहाँ वहां दोनों जगह में उन्होंने बराबर रूप में उन्होंने देखा है। देखा करके तब भगवान अपना विश्व रूप माँ को दिखाते हैं। करी पूजन वेद चढ़ावा, करी पूजन वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहोरी माँ तोता चलियाए, भोजन करत देखे तूत जाई, भोजन करत देख तूत जाई। इसलिए मैया दोनों जगह में भगवान को दोनों जगह में दर्शन किया। दर्शन करते करते फिर भगवान महत आश्चर्यचकित हो गई, फिर भगवान अपना विराट रूप दिखाया। फिर मैया देखती हैं प्रभु राम को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को, कितने नदी कितने पर्वत कितने चंद्र ग्रह नक्षत्र को सबके सब राम के अंदर में मैया कौशल्या दर्शन करती हैं। दर्शन करके मैया तक तो मुक्त हो गई। हाँ फिर भगवान अपना जोग माया को बुला करके वैष्णव माया को बुला करके फिर उन्होंने सब चीज को फिर ढक देते हैं भगवान। इसलिए भगवान ऐसे करते 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 भगवान अभी हाँ अभी भगवान विश्वरूप दर्शन करके मोहित कर दिए। हाँ अभी भगवान और थोड़ी बड़े हुए तो और एक संस्कार किया, बोले गुरु गृह में जाते हैं। हाँ, गुरु गृह में जा करके सारे वेद अध्ययन पुराण शास्त्र को अध्ययन करते हैं। तब ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कद भगवान को क्या पढ़ेंगे, ये सारे विद्या जिनसे प्रकट होता है, वेद वेदांत जिनसे मुंह से प्रकट होता है, ये तो स्वयं भगवान है, ये विद्या क्या पढ़ेंगी। लेकिन भगवान जीव शिक्षा के लिए भगवान अपना गुरु गृह में जाते हैं और गुरु गृह में जाकर के गुरु जी की सेवा करते हुए सब कुछ गुरु गृह में उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन कर लिया। कहते एक विद्या को अध्ययन करने के लिए जैसे हम लोग PhD करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, नहीं तो इंजीनियरिंग करते हैं, सारा जीवन एक विद्या को पढ़ने के लिए लग जाता है। लेकिन भगवान राम अगर वशिष्ठ उनको कोई एक सूत्र देते हैं, इसको याद करके आना, दूसरे दिन प्रभु राम सूत्र वृत्ति और टीका एक साथ में जो गुरुजी नहीं सुनाए उसको भी भगवान राम उनको भी सुना देते हैं।
इसलिए भगवान ने 64 दिन में ये जितने कलाएं हैं, ये 64 कला है, नृत्य कला, भजन गाना, ये जितने एक एक कला है विश्व में 64 कला है, लेकिन उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन करके अभी अपना घर में प्रभु आ गए। जब घर में प्रभु आ गए, अभी प्रभु हो गए 14 साल के हो गए, हाँ अभी 14 साल के। कहा कहते उनको बचपन में और एक लीला हुई। बोले क्या लीला हुई? कहते एक दिन भगवान अपना अंगना में बैठे करके भगवान मालपुआ खा रहे थे, मालपुआ खा रहे थे। इतने में काक भुसुंडी ने सुना मेरे प्रभु अभी राम रूप में आए हैं। अभी इतने में काक भुसुंडी वो कौआ रूप धारण करके धीरे धीरे प्रभु राम के पास में आए। इतने में प्रभु अपना मालपुआ दिखाए, ऐसे दिखाए तो काक भुसुंडी ने अपना चोंच से पकड़ करके उन्होंने मालपुआ को खींच लिया, ले लिया तो प्रभु राम रोने लगे, करके रोने लग गए प्रभु। अभी काक भुसुंडी सोचा भैया ये कैसे भगवान है, अगर मैं एक मालपुआ ले गया तो प्रभु मालपुआ के लिए प्रभु रोने लग गए, ये कैसे भगवान है। अभी उसको ऊपर में शंका हो गया, शंका हो गया तो शास्त्र में बताया गुरुदेव, हाँ अगर ठाकुर जी को ऊपर में अगर हमारी शंका हो जाए, बोले संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए कहते गुरु जी को ऊपर में कभी भी हमारे शंका कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु जी को ऊपर में शंका हो गया तो भक्ति गई हमारी, भक्ति जगत में हम संपूर्ण गिर गए। अगर फिर शंका अगर ठाकुर जी का प्रति हमारी हो गई, हाँ भगवान का प्रति हो गई, फिर तो जिसको जो इष्ट है हमारे अगर उनको प्रति शंका हो गया, फिर भक्ति तो गया, फिर भक्ति में हमारा कोई स्थान नहीं। इसलिए गुरु भगवान गोबर में तो कम से कम दोनों वस्तु गोबर में हमारी कभी शंका नहीं होनी चाहिए। गुरु जी को तो माननी चाहिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्मः। अगर गुरु जी गोबर में अगर कभी शंका हो गया, हमको गुरु जी को पास में जा करके पूछ लेनी चाहिए, अपना हृदय की शंका दूर कर देनी चाहिए। अगर भगवान का प्रति कभी शंका हो गया तो गुरु वैष्णव के पास में जाओ, अपना शंका को दूर कर दो, नहीं तो भक्ति गई, पूरा की पूरा भक्ति में हमारे कोई स्थान नहीं है। फिर अभी इनका हो गया शंका, ये कैसे भगवान है। भगवान ने देखा अगर इसको हृदय में शंका आ गई मेरी प्रति, फिर तो भक्ति इसका गई। प्रभु वो शंका को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया काक भुसुंडी को पकड़ने के लिए। इतने में काक भुसुंडी उड़ने लगे, उड़ने लगे तो देखा काक भुसुंडी जहां जहां जा रहे हैं भगवान का हाथ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो विश्व ब्रह्मांड चक्र काट लिया घूमते 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 सारा दुनिया में, लेकिन भगवान राम का हाथ पीछा नहीं छोड़ा। करते 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 इतने में काक भुसुंडी बेहोश होकर गिरा, बेहोश होकर जब गिरा, गिर करके जब फिर आग खोलता है वही प्रभु बैठ करके मालपुआ खा रहे। इसलिए काक भुसुंडी का मतलब भगवान दिखाया, देखो मेरे को तो तुम देख रहे हो बालक रूप में लीला कर रहा हूँ, लेकिन क्यों लीला कर रहा हूँ, बोले अनुग्रह आय भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया, केवल भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए मैं ये लीला करता हूँ। इसलिए कहिए गरुड़ का भी भगवान का प्रति शंका हो गया, हाँ जिस समय रावण ने, हाँ जिस समय मेघनाद ने राम और लक्ष्मण का प्रति उन्होंने नागफास, हाँ नागफास अस्त्र को प्रयोग किया और ये दोनों को नागफास बंधन में बांध दिया। यहाँ पर विभीषण ने बताया ये नागफास बंधन जब तक प्राण नहीं छूटेगा इसको कोई नहीं तोड़ सकते, प्राण छूटेगा फिर ये बंधन छूटेगा। सब लोग बड़ी शंका में पड़ गए, अभी क्या किया जाए। बल्कि बल एक उपाय है, कहते गरुड़ का जो आहार ये सर्प है, अगर ये गरुड़ को अगर कभी भुला करके ला सकते हो फिर तो ये बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गरुड़ कहाँ रहते हैं, बोले गरुड़ वैकुंठ में। बोले वैकुंठ कौन जाएगा उनको भुला करके लाएगा। फिर श्री हनुमान जी गए, हनुमान जी जा करके गरुड़ जी को बुलाया,
गरुड़ जी आकर के उन्होंने प्रभु का नाक फास बंधन को उन्होंने काट दिया, काट करके फिर गरुड़ जी के मन में भी शंका हो गया, बोले ये कैसे भगवान है। भगवान तो भगवान किसको कहते हैं, बोले अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जा सक्यते सा ईश्वर। ईश्वर मतलब जो नहीं को है और है को जो नहीं कर सकते हैं वो ईश्वर है। ये भगवान का डेफिनेशन है। दिन को रात, रात को दिन, मरे हुए को बचाना, बचा तो मरना, हाँ, रंग को राजा, राजा को रंग जो बना सकते वो भगवान ही। ये कैसे भगवान, इनको नागपाश बंधन में बांध दिया और मैं उनका सेवक हूँ और सेवक आकर के वो चीज को काट करके मुक्त किया। अभी उनको मन में भगवान के प्रति शंका हो गई। अगर अपना इष्टों के प्रति शंका हो गया फिर गया। हम जिसको भक्ति कर रहे हैं जैसे कृष्ण है, राम है, महाप्रभु, अगर इनका प्रति शंका हो गया जो हमारे इष्ट, फिर भक्ति किसको करोगे? भक्ति तो हम कर रहे उनको, तब तो उनको कर रहे हैं। अभी तो बड़े शंका में बढ़ी गई, मन अशांत हो गया, मन में शांति नहीं। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि गरुड़ जी का बहुत अभिमान है, ये सोचता है हाँ, अभी सुना रहे थे ना गरुड़ जी बड़े तेजी गति में चलने वाले हैं, हाँ, बड़े अभिमानी, हाँ, लेकिन सबसे जो जो जाति में सबसे जो पक्षी में जो निकृष्ट है वो कौवा को माना गया। ये सबसे कौवा निकृष्ट जाति होता है, हाँ? इसलिए ब्रह्मा जी को पास में गया तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया खग का भाषा खग समझता है, चिड़िया का भाषा चिड़िया समझता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो शंकर जी को पास में गए, शंकर जी के पास जाकर जो बोले, बोले भैया तू चिड़िया, चिड़िया का बात तो चिड़िया समझेगा, इसलिए भैया तुम खग को पास, खग को, बोले किसको पास में, बोले काक भुसुंडी को पास में जाओ, जो नीलगिरी पर्वतों के ऊपर बैठी करके, हाँ, जो निरंतर प्रभु राम की कथा सुनाता है। फिर गरुड़ जी फिर काक भुसुंडी को पास में गए, जाकर के अपने सारे बात बताए। काक भुसुंडी बोले भैया तेरा जैसे अवस्था मैं भी ऐसे कभी फंस गया था। अगर आपका कोई दुख हो, आप किसी व्यक्ति को पास में जाओ, अगर कोई बोले यही दुख मेरे पास में भी आया था, आप पूछोगे उस दुख से आप कैसे मुक्त हो गए, फिर आप बोलोगे ना तुम कैसे वो दुख से निकले। फिर उन्होंने अपना सारे बात बताया कैसे मैं भी कैसे बचपन में प्रभु राम को लीला देकर के मुक्त हो गया था, फिर प्रभु ने मेरे सारे मोह को दूर किया। इसलिए भगवान का प्रति साधारण बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ये तो केवल लीला करने के लिए प्रभु ने हमारे, अगर प्रभु ये लीला नहीं करते हम क्या सुनते। भगवान तो सब जानते हैं, सब अंतर्यामी, सब कुछ कर सकते हैं, रावण को तो इच्छा करते ही मार देंगे, पर इतनी बड़ी लीला करने का क्या जरूरत। सीता तो चोरी हुई नहीं, सीता तो चोरी नहीं हुई सीता जी, फिर ये लीला सब प्रभु ने क्यों किया, बोले अनुग्रहाया भक्ता नाम, केवल हमारे ऊपर प्रभु कृपा करने के लिए। इसलिए प्रभु काक भूषणी के ऊपर में ब्रह्म भगवान ने कृपा किया है। एक दिन दशरथ महाराज कहते बैठ करके, हाँ, अपना गोद में प्रभु राम को बैठा करके रखे थे और राम को दही चावल खिला रहे थे, हाँ, प्रभु राम को दही चावल खिला रहे थे। अभी खिलाते खिलाते अभी कहते जो राम का भक्त ये काक भुसुंडी, जो भक्त है वो क्या चाहता है, प्रभु का अधरामृत हमें मिले। अभी काक भुसुंडी दरवाजा को बाहर में बैठा हुआ, कब प्रभु प्रसाद पाएंगे और प्रभु का प्रसाद कब मुझे मिलेगा, हाँ। इतने में जब दशरथ महाराज उनको खिला रहे थे, खिलाते खिलाते थोड़ी सी जब अवसर मिला, इतने में भगवान राम ने क्या किया, हाथ में दही चावल को पकड़े, पकड़ कर किलकारी मारकर ये भाग गए। जब भाग गए अभी प्रभु का हाथ में एक मुट्ठी चावल को लेकर के भागे, जब चावल लेकर के भागे क्या होता, चावल गिरते 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 गया, गिरते गिरते गया तो इतने में काग है ना, कौवा है ना, फिर उन्होंने भगवान का प्रसाद को उन्होंने उठा उठा करके फिर अपना प्रसाद को पाते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद। इसलिए भगवान हर समय अपना भक्तों को भी भगवान याद रखते हैं, मेरे भक्त कहाँ पर किस रूप में मेरे प्रसाद के लिए अपेक्षा करता है। कहते राम
जब थोड़ी सी प्रभु राम बड़े, अभी 14 साल के हो गए प्रभु राम, जब 14 साल के हो गए बच्चे, 14 साल के हो गए मतलब बहुत बड़े बड़े हो गए। पहले जो नियम था बच्चों को शादी बहुत जल्दी करवाते थे और लड़कियों का शादी भी जल्दी करवाते थे। अब जो गांव में आप लोग देखे होंगे कभी कभी बच्चियां जब छोटी छोटी होती थी पिता माता में बात हो जाता था, पिता बोलता था, हमारे गांव में भी देखा पिता बोलता था तेरी बेटी को साथ में मेरे बेटा का शादी, जब बड़े हो जाएंगे हम शादी करवा देंगे। हाँ, क्योंकि कोई भी अपना बेटी को, हाँ, कोई भी बेटी उसका इज्जत नष्ट नहीं हो जाए, इसलिए बचपन से पहले ये बाल्य विवाह था। बेटी सियानिया हो गई, हाँ, सियानिया हो गई, जल्दी जल्दी पिता माता बोल जल्दी जल्दी घर से इसको निकालो, जल्दी जल्दी शादी का व्यवस्था कर दो, तभी चरित्र ठीक रहता था। डाइवोर्स अभी क्यों हो रहा है, कारण क्या डाइवोर्स होने का? श्री स्वामी महाराज कह रहे हैं, ये स्वामी महाराज का कथा है, बोले डाइवोर्स का कारण क्या है, बोले कारण है शादी से पहले अगर स्त्री और किसी पुरुष से मिले वो कैसे दूसरों को साथ में संसार बैठा सकता है, ये स्वामी महाराज कह रहे हैं, इसलिए संसार नहीं कर सकता है दूसरों के साथ में। इसलिए भारत में डाइवोर्स क्यों नहीं था, डाइवोर्स का कारण यही था। डाइवोर्स का कारण कभी लड़की तो एक में कभी लड़की अपने मन मर्जी का पति को नहीं ढूंढती थी, पिता माता ढूंढते थे देख करके, फिर बचपन से उनको शादी कर देते थे। पहले बच्चिया थोड़ी सी लिखना पढ़ा सीख गया, गीता भागवत थोड़ा पढ़ ले और घर का हिसाब थोड़ा कर ले, बस बहुत शादी कर दो, यही संस्कृत था। तभी इज्जत, तब वर्ण संकर नहीं होता था, अपना जाति रहता था, तभी तो ये झगड़ा फगड़ा जितने डाइवोर्स तभी तो नहीं होता था इस चीज को। इसलिए अभी राम अभी 14 साल के हो गए, अभी घर में पिता माता सब बैठे हुए, उनका जो माता है प्रभु राम का मुख भरत शत्रुघ्न इनको मुख कमल देख करके कहते, उनका मुख कैसे बोले कमल जैसे इनका मुख, अभी उनका मुख को देख करके सोच रहे हैं बेटे तो बड़े बड़े हो गए, ये तो हमारे लड़का का जो मुंह है कमल जैसे, लेकिन ये कमल तो है लेकिन कमल ही नहीं कमाएगी घर, ये तो कमल जैसे लेकिन कमल ही नहीं आनी चाहिए, हाँ, इसलिए कमल ही नहीं कैसे आएगी, ये ऐसे सोच रही थी। सोचते समय अभी भगवान की जोग माया है, अभी जोग माया ने फिर उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रेरणा किया, अभी विश्वामित्र जी अभी श्री आए श्री दशरथ महाराज के पास में, बोले क्यों, कहते वो रहते हैं सिद्धाश्रम में, जो सिद्धाश्रम बक्सर हमारे गुरु जी का यहाँ जन्म स्थान है, कहते विश्वामित्र जी का वही स्थान है गुरु जी का जन्म स्थान में, कहते वो सिद्धाश्रम से आए, सिद्धाश्रम से जब आए बड़े प्रतापी, वो साधारण नहीं, आप लोग सुने होंगे विश्वामित्र इतने प्रतापी, दूसरा स्वर्गों को उन्होंने प्रकट कर दिया और त्रिकुश उनको जिंदन को स्वर्ग भेज दिया उनको, और दूसरा राज्य कहते जो गया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, इन्होंने दूसरा सृष्टि भेज कर दिया, हाँ, नारियल तो सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, इन्होंने ताल फल को सृष्टि कर दिया, हाँ, इसलिए उन्होंने बोला हम दूसरा सृष्टि कर देंगे, इतने प्रभावी थे उन्हें दूसरा पूरा दूसरा स्वर्ग और दूसरा उन्होंने पूरा सृष्टि कर दिया, इतने पराक्रमी। कहते इनका नाम क्या है, बोले इनका नाम है विश्वामित्र। कहते विश्वामित्र क्या, बोले विश्वामित्र मतलब विश्व का जो मित्र है, विश्व ब्रह्मांड का जो मित्र है, जो सबको जो अपना मित्र मानते हैं, इसलिए इनका नाम विश्वामित्र है। अभी ये राक्षसों का भी मित्र है, अभी सोच रहे हैं ये राक्षसों का उद्धार कैसे होगा, बोले जब तक प्रभु को हाथ में नहीं मरेगा तब तक इनको उद्धार नहीं होगा। कहते विश्वामित्र इतने पराक्रमी थे, विश्वामित्र इनको पास में ऐसे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था, ऐसे कोई दिव्यास्त्र नहीं था जो कि विश्वामित्र के पास में नहीं था, केवल एक इशारा करेंगे तो सारे दैत्यों को मार सकते थे, लेकिन देखा मेरे हाथ से मरेंगे तो इनको उद्धार नहीं, उद्धार तो मेरे प्रभु का हाथ में होगा, इसलिए उन्होंने बोले ये जय, हाँ, इसका जो महिमा ये मेरे प्रभु को मिले, इसलिए विश्वामित्र जी आए श्री दशरथ महाराज के घर में। जब दशरथ महाराज जी के घर में आए, दशरथ महाराज ने जब सुना श्री विश्वामित्र जी आए हैं,
कहते श्री विश्वामित्र जी आए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उन्होंने विश्वामित्र जी को बैठा, चरण धोए, चरणामृत लिया, बोले आज मेरा गृहस्थ धर्म सार्थक हो गया, क्योंकि मेरे घर में श्री विश्वामित्र साधु जी आए हैं। हाँ, अभी उनको बैठा करके पूजा किया, भले हम आपको क्या सेवा करेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए, इसलिए हम तो सब कुछ आपके लिए कर सकते हैं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, हमको ज्यादा कुछ चीज नहीं चाहिए, मैं सिद्धाश्रम से आया हूँ, वहां पर यज्ञ करता हूँ, यज्ञ में कति ये मारीच और सुबाहु, हाँ ये राक्षस लोग ये यज्ञ करने नहीं देते हैं, इसलिए आपका अगर दो बेटे राम और लक्ष्मण को, ये दोनों को अगर मेरे साथ में कुछ दिन के लिए भेज दोगे, फिर हम इनको बध करके अपने बच्चों को हम वापस दे सकते हैं। इतना सुन करके दशरथ महाराज इतने दुखी हो गए, बोले आपने तो मांगा लेकिन ठीक चीज नहीं मांगे, आपने गलत चीज मांग लिया है। कहती ये तो बूढ़ा बामे कितना कष्ट करके ये बूढ़ा बामे ये लाला हमें मिला है, और आप मेरे को अगर प्राण मांग ले तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चे देने के लिए मैं तैयार नहीं, इसलिए आप और कोई चीज मांग लो। बोले हमें तो आपको ये दो बच्चे ही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दशरथ महाराज तो बड़े विपत में पड़ गए। जब बड़े विपत में पड़ गए, इतने में श्री वशिष्ठ जी आए। हाँ, वशिष्ठ जी आकर के बोले, हे दशरथ महाराज, अभी जो आपको संतान मिले हैं वृद्धावस्था में, किसके कृपा से मिले हैं? ये मिले हैं, ये ऋषियों का दान है। ऋषि सिंह ऋषि ने उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ से चौर निकले, उससे बच्चे हुए, इसलिए आपका जितना अधिकार राम में उससे ज्यादा अधिकार है ये ऋषि मुनियों का, क्योंकि इनकी कृपा से संतान मिले हैं, और इनके आश्रम में विपत्ति है संतों का ऊपर में, आप बच्चों को नहीं देना चाह रहे हो। हाँ, बोले अभी अब क्या बात कर रहे थे, अभी क्या बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये तो चंद्रानन है हमारे, लेकिन घर में चंद्रानन कब आए, सोच रहे थे कब बहू आएगी, इसलिए अब बहू की बात कर रहे थे ना, इसलिए तो ये आए। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का पद है, बहु विधि समझ आए, तो यह जो बहु विधि है, कहती तो बहु, ये अब तो बहू की बात कर रहे थे, तो बहू अभी आएगा, अभी चार चार अब दो बेटे को भेजेंगे, तो अभी आपकी गोरी गोरी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर अभी चार बहू आने वाले, तभी तो ये आए हैं, इसलिए आप ये दे दो बच्चों को दे दो। बहुत कठिनी से श्री विश्वामित्र ये दशरथ महाराज राजी हुए। जब राजी हुए, इतने में बोले अभी मैया का आदेश ले, अभी तो पिता का आदेश लिया, माता जी का भी आदेश ले, फिर तो विश्वामित्र से हो गया, क्योंकि कहते बेटे के ऊपर में पिता का जितना अधिकार है, बोले माँ का 10 गुण ज्यादा अधिकार है, क्योंकि बेटे को गर्भ में कौन धारण करती है, कहते माँ धारण करती है, बोले प्रसव पीड़ा को कौन सहन करती है, बोले माँ करती है, हाँ? उनको टाटी पेशाब कौन साफ करती है, ये माँ करती है, इसलिए बोले पिताजी का जितना अधिकार बच्चे को ऊपर में, कहते माता जी के बोले 10 गुण पिताजी का चरण में हम जितने ऋणी हैं, माता को चरण में 10 गुण कहते में ज्यादा ऋणी, माँ का हृदय में इतने ममता है, हाँ? इसलिए विश्वामित्र सोचे तो गया हाथ से, इतना कठिनी से हम मनाए, इतना कठिनी से हम मनाए, फिर तो मैया को आदेश लेने के लिए, हाँ? मैया को, मैया तो कभी छोड़ेगी नहीं, हाँ? अभी जब मैया के पास में आदेश लेने के लिए गए, लेकिन मैया ने विदाई दे दिया, उनको मुख चुमन किया, सिर को सूंघा, उनको सस्ती बात ने बड़े आशीर्वाद दिया, और मैया ने छोड़ दे, कुछ बोले ही नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका और के ग्रंथ उसमें बताए, कहते माता जी का तो स्नेह पिताजी से 10 गुण ज्यादा है, बच्चे को प्रति 10 गुण ज्यादा स्नेह है, लेकिन यहाँ पर माताओं ने जल्दी जल्दी उनको कुछ बोले ही नहीं, कुछ जल्दी जल्दी छोड़ दे, क्यों? कारण क्या? अगले कारण है, कल हम श्रवण कर रहे थे, जब शंकर और काक भुसुंडी ये ज्योतिष बन करके आए थे, उन्होंने जब उनको हस्तरेखा देखा था, बोला था देखो
जब कोई एक बाबा ये बच्चों को लेने के लिए आएगा, समझना इनकी शादी का समय हो गया, मना नहीं करना, बाबा को साथ में दे देना बच्चे को। अभी देखा ये बाबा लेने के लिए आए, मतलब हर माँ यही चाहती है लाला का जल्दी जल्दी शादी हो, घर में बहुएं आ जाए और घर का सारे काम धाम को संभालने, फिर हमको चैन मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ बोले नहीं, जल्दी जल्दी उन्होंने उनको विदाई दे दिया। जब विदाई दे दिया, अभी विश्वामित्र को साथ में अभी ये गए। जब गए यहाँ पर एक ये बताए रामचंद्र और एक शिक्षा दिए, बोले प्रातः काल ओ ठीके रघुनाथा, प्रातः काल ओ ठीके रघुनाथा, पे तो मात गोरु नाभी माता, माता पिता गोरु नाभी माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गोरु नाभी माता। यहाँ पर भगवान रामचंद्र सवेरे उठ करके पहले या क्या करते थे, पहले पिता माता का चरण छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। पिता माता और श्री गुरु जी की पहले ये चरण छूते थे। यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं पिता माता के प्रति हम कितने ऋणी पिता माता के प्रति। एक दिन रुक्मिणी कृष्ण से प्रश्न करती है, बोले प्रभु कभी कभी मैं देखती हूँ आप तो सोते हो मेरे पास में, लेकिन सोते सोते कभी कभी मैया यशोदा के नाम को ले लेकर कभी आप रोते हो, सोते हो मेरे पास में लेकिन रोते हो मैया यशोदा के नाम को ले लेकर क्यों रोते हो। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न किया तब भगवान ने कहा एक दिन तुमको साक्षात रूप में प्रमाण करके दिखाऊंगा। तो एक दिन जब भगवान विश्राम करते थे तब रुक्मिणी भगवान को दूध पिलाती थी। एक दिन रात को दूध नहीं पिलाए, भगवान सवेरे हुआ, बोले रुक्मिणी तुमने कल मेरे को रोज तुम दूध सेवा करती थी, भगवान जब सोते थे उस समय दूध सेवा करती थी लेकिन तुमने दूध नहीं पिलाए। बोले भगवान मैं तो दूध लेकर के आई थी लेकिन आप सोए हुए थे इसलिए आपको हमने दूध नहीं पिला पाए, आप सोए रहे थे। भगवान बोले रुक्मिणी माँ और पत्नी में ये भेद है, कोई भी माँ हाँ कोई भी माँ अगर बच्चा अगर दूध पीकर सोता है, अगर माँ बेटा सो गया कभी मैया दूध पिलाए बगैर बच्चे को छोड़ देगी, उसको जोर जबरदस्त से उठाएगी। जब तक उसको उठा करके माँ बच्चे को दूध नहीं, उनको पता है ना बच्चे भूख लगेगा, बच्चे को ज्यादा भूख लगता है, इसलिए जब तक माँ बच्चे को दूध नहीं पिला देगी तब तक माँ कभी वो सोएगी नहीं, दूध पिला करके ही सोएगी। इसलिए जब भगवान कृष्ण गए हाँ और जब उद्धव जी ब्रज में आए, उन्होंने किस रूप में मैया यशोदा को देखा, मैया यशोदा को देखा एकदम बेहोश होकर के पड़ी हुई, शरीर में ज्ञान नहीं, आंखों का आंसू से पूरा कपड़ा भीगा हुआ है हाँ। और जब उद्धव को साथ में कहते नंद बाबा का वार्तालाप चल रहा था, केवल कृष्ण का नाम सुनते ही मैया यशोदा सुचिका कन्या आ गया है। इतने मैया यशोदा हाँ बैठ गई, लेकिन बैठ करके देखती हैं नहीं कन्हैया नहीं ये तो उद्धव जी आए, फिर मैया धड़ाम करके वहीं पर गिर जाती है हाँ। इसलिए कहते हैं जो माता हैं, इसलिए हर बच्चे का कर्तव्य है जितना दूर हो सके अपना पिता माता को हमें आदर देनी चाहिए, पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। कहते जिस समय बेटा क्या बोल रहे, जिस समय बेटा अगर किसी माँ को कोई गाली देता है, यहाँ पर तो सबके सब ये हो जाते हैं, लेकिन जैसे कहीं गाली देता है फिर मैया का क्या याद आता है, मैंने इसको जन्म देते समय जो प्रसव पीड़ा हमने सहन किया है हाँ, जो सोच नहीं सकते बच्चे को जन्म देते समय माँ को जो प्रसव पीड़ा होता है
उसको वो चीज याद आता है, यही जो बच्चा हमें ये बोल रहा है इसको मैंने इतने प्रसव पीड़ा सहन कर इसको हमने जन्म दिया था। इसलिए हर बच्चा का कर्तव्य है जितना दूर हो सके पिता माता को आदर जतन देनी चाहिए। हम जैसे पिता माता को आदर देंगे हमारे बच्चे भी हमें वैसे ही आदर देंगे। हाँ, इसलिए अभी विश्वामित्र जी को साथ में अभी भगवान गए, जब भगवान गए अभी सरज को किनारा में, सर्वप्रथम विश्वामित्र जी अपना मृग छाला को उन्होंने बिछा दिया। बिछा करके भगवान कहाँ सोते थे बोले अयोध्यापुरी में राज दरबार में मखमल बल गद्दी को ऊपर में सोते थे, लेकिन आज प्रभु कहाँ सो रहे हैं, वृक्षों के नीचे और मृग छाला के ऊपर में। जब दशरथ महाराज राम लक्ष्मण को उन्होंने दिया था उस समय दशरथ महाराज ने बोला था बोले देखो आप कुछ दिन के लिए हमारा बच्चे का आप पिता माता बन जाओ, और हमारा बच्चा तो अभी तक एकदम बालक है, 14 साल का बच्चा, और पिता माता को सामने बच्चा कभी भी बड़ा नहीं दिखता है। भले ही बच्चा जितना बड़ा हो जाए हर पिता माता सोचते हैं मेरा बेटा तो अभी बच्चा है। हाँ, कहते इसका तो कमल राजीव लोचन है, इसका तो आंख कमल लोचन है, जैसे जैसे रात होने पर कमल का पुष्प अपने आप बुझ जाता है, उसी तरह अभी रात होते ही ये बच्चों को नींद आ जाती है और बड़े बड़े राक्षस लोग है कैसे इसको सामना करेंगे, बोले आप कुछ दिन के लिए इनका पिता बन जाओ। इसलिए इन्होंने बीच में विश्वामित्र सो गए, दोनों तरफ में राम और लक्ष्मण सो गए। जब सो गए अभी विश्वामित्र सोच रहे कहां मखबल गद्दी को पर सोने वाले कहां ये विश्राम कर रहे हैं। हाँ, अभी सवेरे सवेरे जब हुआ विश्वामित्र जी तो सवेरे सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के आगे उठ करके नहाते हैं, तिलक आने की संध्या वंदना करते हैं। अभी राम लक्ष्मण अभी सोए हुए हैं, अभी विश्वामित्र सोच रहे हैं ये तो बच्चे हैं 14 साल के बच्चे, हाँ अभी क्या करें, इनको उठाओ कि नहीं उठाओ, वो सो रहे हैं। फिर विश्वामित्र सोच रहे बोले नहीं उठानी चाहिए, एक तो दूर जाना, दूसरा है सवेरे सवेरे उठ करके अपना संध्या वंदना भी करनी चाहिए। हाँ, ये कर्तव्य, इसलिए पहले बच्चे लोग गुरुकुल में जा करके ये सब चीज को शिक्षा प्राप्त करते थे। हाँ, सारा जीवन हमें कैसे भगवान की साधन भजन करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को जो अपना जो साधन भजन है इसको हमें एकदम ठीक ठीक रूप में ये साधन भजन को हमको करनी चाहिए। जैसे सवेरे का ये प्रभुपाद कहते थे, जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी पहले जो घड़ी होता था उसमें ये देते थे चाबी देते थे, हाँ उसमें चाबी देते थे, उसमें जब चाबी देते हैं फिर वो 24 घंटा चलता है, फिर क्या करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन फिर चाबी देना पड़ता है। कहते उसी तरह हमें जो सवेरे का जो साधन भजन है हमको ये एकदम परफेक्ट रूप में सवेरे का जो साधन भजन एकदम अच्छे तरह से 1-2 घंटा जितना दे सकते हैं एकदम सवेरे का साधन भजन परफेक्ट हमारा होनी चाहिए। हाँ, जैसे ब्रह्म मुहूर्त से उठनी चाहिए। हाँ, उठ करके ऐसे नहीं रात भर देखो टीवी और सिनेमा देखो और उठो 8-9 बजे, नहीं ये साधन भजन का तरीका है ही नहीं। इसलिए कहते हैं सूर्य उदय को बाद में कहते शंकर जी के जो भक्त है भूत पिशाच घूमते रहते हैं, इसलिए सवेर सूर्य उदय को बाद में अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति होगा कहते शंकर जी के जो भूत पिशाच जाकर उसको सिर पर सवार हो जाते, उसको बुद्धि भ्रष्ट कर देते, फिर आप दिन भर भजन कर ही नहीं सकते। सूर्य उदय के बाद में जो उठते हैं उनका भजन भजन नहीं है, इसलिए सूर्य उदय से पहले हमें उठना चाहिए। इसलिए सवेरे जो मंगला आरती उसका नाम क्या, मंगला आरती, मंगला आरती किसलिए मंगला आरती है, हम कहते ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जगे तेरे प्रति जागुक हृदय और सुमंगला रती, इसलिए मंगल निशांत लीला मंगल उदय। निशांत मतलब क्या, निशांत मतलब अभी नए से मतलब अंधकार, अंत मतलब खत्म हुआ। हाँ, इसलिए कहते ये ब्रह्म मुहूर्त में ये गोपियां, हाँ अभी राधा रानी और कृष्ण जाबर सो रहे कहाँ पर, कहते संकेत में सो रहे, राधा रानी को अभी जाना पड़ेगा कहाँ पर, जाबट में, कृष्ण नंदगांव में चले जाएंगे।
अभी किसी को पता नहीं कृष्णा आ गए और किसको पता नहीं राधा रानी आ गई कुंज भवन में सो रही हैं। अभी सूर्य उदय से पहले राधा रानी को भी वापस जाना और कृष्ण को भी वापस जाना, ये दोनों को वापस जाना है। हाँ, इसलिए ये दोनों वापस चले जाए कोई लोग उठने से पहले, कहते तो इसलिए उसका नाम मंगल निशांत लीला है। इसलिए ये आरती का समय यही है, ऐसे नहीं आरती सूर्य उदय हो गया और हम उठ करके आरती कर रहे, कहते ये नहीं। प्रभुपाद कहते थे ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, जैसे हम नौकरी पाना चाहते, नौकरी कब मिलेगा, बढ़िया ट्रेनिंग दोगे तभी तो नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी मिलेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर प्रभुपाद कहते थे मैंने ये गोलोक वृंदावन का जो निकुंज है मैंने यहाँ पर उतारा है और निकुंज को यहीं पर उतार दिया, मतलब गौड़ीय मठ नहीं। प्रभुपाद कहते थे मेरे जो भक्तों का घर है वो एक एक निकुंज मंदिर है, मैंने पूरा निकुंज मंदिर को यहाँ पर उतारा। कहते निकुंज मंदिर में जो जो गोलोक वृंदावन में चल रहा है मैंने वही नियम हम यहाँ पर रखा है, गौड़ीय मठ में रखा है। अगर यहाँ पर अच्छे तरह से कोई ट्रेनिंग देगा फिर तो नौकरी बढ़िया मिलेगा। इसलिए नौकरी बढ़िया नौकरी वहां पर मिलेगा, नहीं रहने दो। इसलिए कहते बढ़िया नौकरी वहां पर मिलेगा। हाँ, इसलिए हमको जो सवेरे का जो साधन एकदम परफेक्ट साधन एक दो घंटा हम जितना कर सकते हैं हमको करनी चाहिए। हाँ, इसलिए कम से कम प्रभुपाद कहते थे कभी कभी हमारा बहानाबाजी बना देते, बोले हम समय कहाँ है, हमको नौकरी जाना है, काम करना है, हाँ ये करना है। प्रभुपाद कहते नहीं, भगवान हमें 24 घंटा दिया है, बोले बताओ नौकरी कितना घंटा करना है, 10 घंटा करो, 12 घंटा करो नौकरी, इससे तो ज्यादा नहीं करते हो, 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा तो नहीं करते। कितना घंटा सोओगे, 8 घंटा सो, 8 घंटा बहुत ही सोने के लिए, 12 घंटा काम करने के लिए बहुत, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, फिर 4 घंटा बच रहा है। प्रभुपाद कहते हैं 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो, फिर 8 घंटा बचता है, 8 घंटा भजन करो। अगर 8 घंटा नहीं कर सकते हैं, 12 घंटा काम करो और 8 घंटा सो, 12 घंटा काम करो और 8 घंटा सो, नहीं तो 9 घंटा सो, नहीं 10 घंटा सो, तब भी आपके पास में बहुत समय बचता है। लिख लिया ठाकुर के लिए हम 1 घंटा नहीं दे सकते, ठाकुर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते। इसलिए कम से कम हमें सवेरे उठो, हाँ सवेरे उठ करके टाइम से उठो, पहले उठ कर क्या करना चाहिए, पहले हमको तिलक लगानी चाहिए। तिलक का कभी भी हम अवॉइड नहीं करनी चाहिए, ये नहीं अरे तिलक फल की क्या जरूरत, अंदर भक्ति अंदर होनी चाहिए, नहीं। कोई क्लास में महाप्रभु के कोई स्टूडेंट बिना तिलक के आ गए, महाप्रभु निकाल दिया क्लास से, उसको बैठने नहीं दिया। तो प्रभुपाद बहुत बड़ा कमेंट्री लिखते हैं क्यों महाप्रभु निकाल दिया क्लास से। इसलिए आप लोगों को पता है भारतीय हम लोग घर में जब ब्राह्मण पूजा कराने आता है वो पहले तिलक लगवाएगा फिर पूजा कराता है, बगैर तिलक के पूजा नहीं कराता है। इसका मतलब बिना तिलक के अगर हम कोई भी काम करने के लिए जाए वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। और प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं जिनको ललाट में तिलक नहीं है कभी वो क्रेमेटेरियन, वो श्मशान भूमि। हाँ, तिलक सेवन नाकर जजन जमा लय बासता, हाँ इसलिए उसको श्मशान भूमि बताया। हमारे भारत का संस्कृति है जैसे कोई सुबह काम में जा रहे हो तिलक लगा कर भेजते हैं, मतलब जिस काम के लिए जा रहे हो वो तुम्हारा जरूर बनेगा। इसलिए पहले तिलक हमको सवेरे लगानी चाहिए, जैसे कोई ऑफिस में जाते हो अगर शर्म लगता है भैया तिलक लगा कर जाएंगे ऑफिस में, नहीं उसको तिलक को तो लेनी ही चाहिए। तिलक को एकदम स्लाइड रूप में लो, गहरा रूप में नहीं, एकदम हल्का रूप में हो, क्योंकि ये गोपियों का चरण धूलि है। हाँ, ये गोपियों का चरण धूलि, कहते इसको अगर सबर लगा कर गए, हाँ लगा कर गए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्ति पाने का सबसे जो सरल उपाय तीन चीज, एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरा चरणामृत, तीसरा अधरामृत, उसमें एक तिलक है। इसलिए तिलक तो हमें लगानी चाहिए। देखो हमारी बात छोड़ दो, अब भगवान कृष्ण को देखो, बगैर तिलक के कहीं भगवान है कहीं? अब भगवान राम को देखो, हमारे कृष्ण का तिलक सबसे छोटा है लेकिन राम का तिलक आप देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक लाल और यहाँ तक,
अब हनुमान जी को देखो कितना बड़ा तिलक है, और नारायण को देखो, बालाजी को सबसे बड़ा तिलक तो भगवान, उनको तो आधा मुंह इतना तिलक से भरा हुआ, भगवान इतने बड़े तिलक ठाकुर जी लगाते हैं। इसलिए तिलक तो जरूर लगाओ, तिलक नहीं लगाओ तो तुम्हारी भक्ति नहीं है। और तिलक अगर सवेरे लगा दिया, समझो जैसे तिलक लगा दिया, उसके बाद में नियम है उसको स्थापन करने का, जैसे ललाट केशवाई नमो उधर नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद, स्थापन कर देनी चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आज तुम्हारी जीवन में बहुत बड़े का एक्सीडेंट है, अभी मरने का तुम्हारी आज एक्सीडेंट है, आज तुम्हारी मृत्यु है, कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगी तुम्हारे जीवन में। गुरु जी कहते थे तुम तिलक लगाया, ये मंत्र को स्थापन किया, क्योंकि ये कवच का काम करता है। जैसे कर्ण शरीर में कवच था, जब तक कवच रहेगा तब तक शरीर में कोई बाण भेद नहीं करेगा। आज तुम्हारे मरने का है लेकिन तुम तिलक लगा कर गए हो, हाँ कहते तुम्हारी बच जाओगे, क्योंकि ये गोपियों का चरण धूल लगा कर गए। इससे बड़ा शक्तिवान कुछ नहीं है, इससे बड़ा ताकतवान कुछ नहीं। पुराण में कथा आती है किसी राजा का शेर क्या कटा, जहां पर गिरा था कोई गोपी तालाब चंदन के पास लगा था, उसको जब लेकर गए उसको नरक में खोलते हुए तेल में उसको छोड़े, वो कुछ नहीं हुआ उसको, देखा क्या लगा हुआ, तो बोले शरीर में गोपी चंदन लगा हुआ था। तो इतने शक्ति ये चीज की। इसलिए यहाँ पर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सवेरे उठाए, बोले नहीं सवेरे उठ करके निकाल नित्य कर्तव्य करनी चाहिए। भगवान स्वयं राम लक्ष्मण नित्य कर्तव्य करके फिर विश्वामित्र इनको लेकर के फिर चलते हैं। जब थोड़ी दूर गए वहां पर देखा एक जंगल जहां पर सनाट सा कोई है नहीं प्राणी। प्रभु राम ने पूछा प्रभु ये क्या बात है, यहाँ पर जंगल में कोई है नहीं प्राणी, प्राणी कोई सनाट सा कारण किया है। फिर प्रभु राम ने एक शिला को देखा, फिर राम स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, बोले गुरुजी ये शिला क्या है। तो उन्होंने अहल्या की कथा सुनाई, बोले बेटा ये अहल्या की कथा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान इतने दयालु इतने कृपालु है, जिसको ऊपर में किसका नजर नहीं जाता है उसको ऊपर में भगवान का नजर जाता है। इसलिए दरबारों में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मुझे लगता समय हो गया ना, इसलिए हम जल्दी, हम सोच रहा था ये कीर्तन के कर लेता लेकिन टाइम नहीं है। इसलिए जिसको ऊपर में किसका नजर नहीं जाता है उसको ऊपर में भगवान का नजर जाता है। हाँ? इसलिए फिर विश्वामित्र किधर से लेकर गए, बोले और भी किधर लेकर जा सकते थे लेकिन उधर क्यों लेकर गए। कहते जो संत हैं, जो गुरु जी, वो बड़े दयालु है, गुरु जी बड़े कृपालु होते हैं, इसलिए वो ऐसे स्थान पर लेकर जाते हैं जिसका जिसको ऊपर में कोई कृपा करने वाले नहीं। गुरु जी ही जीव को उद्धार करने के लिए भगवान उसी रास्ता में ले जाते हैं, और तो किसी रास्ता में जा सकते थे लेकिन उन्होंने उसी रास्ता में गए। और उन्होंने जब पूछे ये क्या है, तो उन्होंने ये सारे अहल्या की कथा सुनाई। कहते अहल्या को ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था, वो देखने में बड़ी सुंदरी थी, इसलिए इंद्र ये सुंदरता देखकर इंद्र के मन में लोभ हो गया था ये मुझे मिल जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा इतने सुंदरी बेटी इतने सुंदरी लड़की, लेकिन उसको किसी ऋषि मुनियों को पास में जाएगा तो भक्ति मिलेगी। हाँ, इसलिए उन्होंने बोले गौतम ऋषि को हम देते हैं, क्योंकि भजन करेगा और उसको मिलनी चाहिए। भगवान भी सिखा, भगवान भी ये करते हैं, भगवान भी चाहते जो मेरे भजन करते उस सबसे बढ़िया चीज उसको मिलनी चाहिए। द्रौपदी उस समय विश्व सुंदरी थी लेकिन प्रभु किसको दिया, पांडव को, हमारे सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहनी है, कितने सुंदरी। बोले किसको उन्होंने दिया, बोले ना अर्जुन को दिया उन्हें। हाँ, भगवान भी सिखा देते हैं जितने जगत में सुंदर सुंदर चीज हो मेरे भक्तों को मिले, सुंदर भाई मिले, सुंदर बहू मिले, सुंदर घर मिले, जो कुछ मिले मेरे भक्तों को मिलने चाहिए। इसलिए ब्रह्मा भी ये सोच कर उन्होंने गौतम को दिया। लेकिन अहल्या के हृदय में इंद्र की ऐश्वर्य, क्योंकि स्वर्ग का राजा है इंद्र है, उसके हृदय में उसको प्रति थोड़ी सी हृदय की कोड़े में थोड़ी सी भावना थी। इतने में इंद्र अभी अहल्या को पास में आने के लिए उसने क्या किया, ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं, उन्होंने मुर्गा को बोल दिया तुम कुहू 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 बोलता है ना, बोले तुम रात में सवेरे होने से पहले उसको बोले तुम बोलो,
क्योंकि ठीक सवेरे होने पर वो आवाज देता है और चंद्रमा को बोले तुम छुप जाओ। हाँ, चंद्रमा को तो गेट कीपर बना दिया और मुर्गा को बोल दिया बोलो। इतने में विश्वामित्र जी बोले शायद हो गया। सवेरे उन्होंने गए जब नहाने के लिए, लेकिन देखा तो ये तो इधर आते है। हाँ, इतने में इंद्र अंदर में गया, वो वापस चले आए। वापस जब चले आए फिर इंद्र को देखा आते हुए, फिर तो और चंद्रमा जा रहा था, उन्होंने मृग छाल सा मारा चंद्रमा के ऊपर, मारे तो चंद्रमा में धप्पा आ गया, दाग आ गया और उन्होंने देखा को इंद्र को, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, जा तेरे शरीर में भाग जोनी जोनी हो जाएगा तुम्हारा शरीर में, बड़ी गद्दी उनको अभिशाप दिया। फिर उन्होंने फिर क्या होगा, फिर उन्होंने चार स्थान में बांध दिया, एक स्त्री में और एक पानी में, एक वृक्ष में और मिट्टी में, ये चार स्थान पर उन्होंने बांध दिया है, ये पाप को उसने दे दिया। इसलिए माताओं का जब रजस्वला होता है उसमें चार दिन के लिए उनको अपवित्र उसी समय ठाकुर का सेवा पूजा आदि के लिए चीज की मना की गई है। अभी अहल्या को भगवान ने बोले इसको ऊपर प्यार रखो राम, बोले ये स्त्री है ऋषि कन्या है, फिर स्त्री को ऊपर मैं प्यार कैसे रख लूंगा, बोले आप तो कभी स्त्री बने थे, बोले कब, बोले मोहिनी बने थे कि नहीं, आप भी तो कभी स्त्री बने थे, स्त्री अगर स्त्री को ऊपर प्यार रख गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाल्मीकि रामायण ने बताया भगवान का चरण का धूलि का स्पर्श होते उधार हो गया, लेकिन यहाँ पर बताए भगवान अपना चरण स्पर्श कराए। यहाँ पर वशिष्ठ जी बोले देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु चेला का परीक्षा लेता है कि नहीं, बोले हाँ, बोले क्या परीक्षा लोगे, बोले पहले आपने आपका कोई भक्त था प्रहलाद महाराज, जब हिरण्यकश्यप से तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे प्रभु कहाँ नहीं, सर्वत्र मेरे प्रभु, बोले थंबे में किया, बोले हाँ तो मेरे को दिख रहा है। उस समय हिरण्यकश्यप ने गदा प्रहार किया तो भगवान प्रकट हो गए। हाँ, बोले भगवान आपको पत्थर से प्रकट किया था, भक्त आपको पत्थर से प्रकट किया था, अभी आपको परीक्षा आया है, अभी पत्थर से अभी भक्तों को प्रकट करना पड़ेगा, ये आपकी बहुत बड़ा परीक्षा है। इसलिए उन्होंने फिर बोले चरण रखे तो स्वयं अहल्या वहां से प्रकट हुई, उनको वहीं पर खड़े करो, अरे वहीं खड़े रहो उधर रहो, अभी राम आएंगे, थोड़ा रुक जा, 5 मिनट रुक जा। इसलिए फिर उन्होंने अहल्या को उधार करके फिर उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर गए जनकपुरी में पहुंचे। जब जनकपुरी में पहुंचे यहाँ पर अद्भुत वर्णना किया है, क्या जनकपुरी की शोभा है, और यहाँ पर वर्णना किया प्रभु जब जनकपुरी जा रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर गए, खुश होकर के, बोले भैया क्यों खुश, बोले शादी होगा ना, शादी कौन नहीं चाहता है, देखना हमारे भारत में शादी के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ कर पालकी ऊपर बैठ कर शादी करने के लिए कितना आनंद से जाते हैं, प्रभु का शादी होगा, लेकिन इसलिए क्या खुश हो रहे, बोले नहीं, बोले वहां पर जानकी है, बोले जानकी कौन है, बोले जानकी ये साक्षात भक्ति स्वरूपिणी, भगवान की लादिनी शक्ति स्वरूपिणी, ये आनंद शक्ति स्वरूपिणी, प्रभु अपने अपना शक्ति से मिलने के लिए जा रहे, वो आनंद के, इसलिए प्रभु बड़े प्रसन्न होकर के भगवान वहां पर जब गए जाकर के अद्भुत वहां पर वर्णना किया, क्या अद्भुत, क्योंकि वो साक्षात जानकी की जन्म स्थान है, जनक महाराज का जो ऐश्वर्य वहां वर्णना किया, जो अद्भुत ऐश्वर्य है वहां वर्णना किया, क्योंकि लक्ष्मी की जन्म स्थान, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को देख देख कर दंग हो रहे थे, क्या अद्भुत जगह पर हम आए हैं। फिर वहां पर विश्वामित्र जी देखा एक सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह का फल फूल से लदे हुए, बोले बड़ा सुंदर बगीचा, हम यहीं पर रुकते, बोले ठीक है गुरु जी यहीं पर रुको। इतने में जनक महाराज को पता चला विश्वामित्र जी आए हैं, जनक महाराज विश्वामित्र जी के साथ में मिलने के लिए आए और उनको बड़े स्वागत किया, चरण धोए, बोले अहो भाग्य है आप मेरे राज्य में आए हो। जब स्वागत किया इतने में देखा राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण वो गए हुए थे बगीचा में, इतने में राम और लक्ष्मण आए। जनक महाराज कौन है, बोले ये ज्ञानी थे, इनका नाम विदेह, हाँ विदेह, जिनका देह है नहीं, मतलब ये ब्रह्म ज्ञानी है, हाँ ये ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा, देख करके आत्मा रामस्य मुनयो,
निर्गंथा भी उरुक्रमे कुर्बन अहितु की भक्ति इथम भूत गुणहरी। भगवान का रूप में ऐसे माधुर्य, प्रभु का रूप में ऐसे रस, प्रभु देखने में इतने सुंदर है, जो आत्मा में रमण करने वाले जो ब्रह्म ज्ञानी भी प्रभु का रूप देख करके मुक्त हो जाते हैं और आत्मा अपना आत्मरामता को छोड़ देते हैं। यहाँ पर श्री जनक महाराज कह रहे हैं, बोले तुम ही बिलो कीत अति अनुरागा, तुम ही बिलो कत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्मा सुखाहि मन त्यागा, पर बस ब्रह्मा सुखाहि मन त्यागा, तुमाही बिलो कत अति अनुरागा। प्रभु को देखकर ब्रह्म सुख उन्हें भूल गए, हाँ भूल गए, बोले ये कौन है, लगता है जिसको ब्रह्म शास्त्र जिसको नेति नेति कहता है वही ब्रह्म साक्षात रूप में प्रकट हो गए, इतने सुंदर रूप जिसको देखकर हम सब भूल गया, मैं जैसे व्यक्ति इसको रूप देखकर मुग्ध हो गया। अभी उन्होंने बोले आप दया करके आप बगीचा में मत रुको, आओ वहाँ पर बड़ा एक अपूर्व एक महल है, आप और वहाँ पर रुको। अभी इनको निमंत्रण लेकर के अपूर्व महल में रुकवाए, जब रुकवाए इतने में प्रभु राम और लक्ष्मण बोले प्रभु हम थोड़ी सी जनकपुरी दर्शन करके आ जाए, तब बोले दर्शन नहीं, दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। अभी राम लक्ष्मण जनकपुरी दर्शन के लिए आए, वहां पर जो सुंदर उन्होंने रूप वर्णना किया जनकपुरी कितने शोभा, और राम लक्ष्मण देखने में एक श्याम रंग के गौर रंग के और पीताम्बर पहने नीलाम्बर पहने, जब प्रवेश किया जनकपुर में पूरा जनकपुरी उमड़ पड़ा प्रभु का दर्शन करने के लिए। जिस गली में जाए उसी गली में बोले श्री राम लक्ष्मण की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, गली गली में जय जयकार हो रहा है, पूरा अयोध्या वासी उमड़े और अयोध्या के जितने कुमारिया थी, कुमारी का एक स्वभाव है अगर कोई सुंदर जनकपुरी में किसका अगर सुंदर कोई पुरुष को देखे वो हृदय में होता है ये हमारा वर हो जाए पति हो जाए। हाँ अभी सब जितने जनकपुरी के सीता जी की जितने सहेलियां वो सबके सब राम को देख करके सबके सब देख करके बोले एक श्याम और एक है गोरे, गोरे और एक श्याम है, लेकिन अभी नियम होता है काले से गोरा होता है सुंदर, लेकिन यहाँ गोरे से काला था ज्यादा सुंदर, काले तो है लेकिन दुनिया को आलो करने वाले। अभी जितने जनकपुरी के सीता जी की सहेली सबके सब मन मन में सोच रहे हैं अगर ये अगर हमको पति रूप में मिले तो, लेकिन भगवान तो भक्तवत्सल है, भगवान सभी की इच्छा पूरी करते हैं, बोले चिंता मत करो तुम ये राम अवतार में तो केवल ए सीता छोड़ करके और किसको ग्रहण नहीं करूंगा, कृष्ण अवतार में तुम गोपी बन करके आओ फिर तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर दूंगा। जितने सब जनकपुर के स्त्रियां पुरुष सबके सब सोच रहे थे हमारे सीता जैसे सुंदरी अगर इसका उपयुक्त अगर कोई बार केवल यही है, यही केवल सीता की उपयुक्त, सीता जितने प्यारी और सुंदरी है, लेकिन सोच रहे राजा का तो बहुत बड़ा पण है जो शिव धनुष को उठा दे, इतना बड़ा धनुष उठाएंगे कैसे, कोई कोई सोच रहे हैं कहते हे प्रभु शंकर जी से दुर्गा जी से प्रार्थना कर रहे हैं ये धनुष हल्का हो जाए, कोई कोई बोल रहे हैं ये तो देखने में छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, ये साधारण नहीं, इन्होंने उतना को मारे सुबाहु को मारे उन्होंने, हाँ ये साधारण नहीं, और सबके सब सोच रहे हैं ये दशरथ ये जनक महाराज क्यों ये पान को किया, बेकार पान को छोड़ दे, छोड़ करके इनको साथ में शादी दे दे, हाँ सबके सब प्रार्थना कर रहे थे, ये सीता जी का बर बन जाए प्रार्थना कर रहे थे। अभी दूसरे दिन धनुष यज्ञ में आए, जब धनुष यज्ञ में आए वहां पर सारे बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, दशरथ जनक महाराज का प्रतीक क्या था ये धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ा दे उसको साथ में सीता की शादी होगी, जिसको 400 व्यक्ति उठाकर ले जाते थे। बोले उन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों किया, बोले एक समय सीता जी जैसे घर में लिपा पुता लगाती है ना, एक दिन सीता जी क्या करते थे रोज एक हाथ से उठा करके उसको नीचे लिपा पुता लगा देते थे,
हाँ? और एक समय सीता गेंद खेलते खेलते गेंद कैसे उसके नीचे फंस गया, सीता गई एक हाथ से उठाए और निकाल दिया। दशरथ महाराज बोले जिसको 400 व्यक्ति उठा कर ले जाते मेरी बेटी एक हाथ से उठा देती है, फिर उसका पति तो इतना बलवान होनी चाहिए। तब उन्होंने बोले इसमें जो प्रतन जा चढ़ा देगा उसको साथ में शादी होगी। हाँ, इसलिए बड़े बड़े राजा को उन्हें नौता दिया। लेकिन राम लक्ष्मण जब प्रवेश किया, राजा लोग इनकी सुंदरता को इनकी चाल को देख देख कर आश्चर्य हो रहे थे। इतने में बड़े से बड़े वहां पर दशरथ ये जनक महाराज अनाउंसमेंट कर दिया, मेरी बेटी बेटी को साथ में उसको शादी होगी, ये धनुष को उठा करके जो प्रतिज्ञा चढ़ा दे। बड़े बड़े बलवान चाह जाकर को कोशिश कर रहे थे लेकिन तस से मस कोई नहीं कर पाए। बोले रावण भी आया था, उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उसका हाथ कैसे फंस गया, नीचे फंस गया तो नहीं निकाल पाया, वो हाथ को नहीं निकाल पाया। फिर लोग आकर उठाए, फिर वो हाथ को निकाले, इतने धनुष था बड़ा। इतने में कोई कोई व्यक्ति जब देखा प्रभु राम आ गए, कोई कोई भक्त है बोले अहो भाग्य है, आज राम जी को साथ में सीता की शादी होगी, प्रभु धनुष उठाएंगे, आज हम दर्शन करेंगे। कोई कोई सोच रहे थे, कोई कोई धनुष उठाने के लिए गए नहीं, जब देखा इतने बड़े बड़े राजा उठा नहीं पा रहे कोई गए नहीं। हाँ, बोले भैया किसने पूछा, भैया थोड़ा बेकूफ डरपोक हो, हाँ क्यों नहीं जा रहे हो धनुष उठाने के लिए। तब यहाँ पर बताए, कहते हमको पता है धनुष तो उठाने वाले केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, हम तो प्रभु की शादी दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ, इतने में जो कोई उठा नहीं पाए, अभी श्री जनक महाराज सोच रहे हैं, बोले जब तक डंडा नहीं उठेगा तब तक झंडा नहीं उठता है। बोले डंडा स्वरूप कौन, गोस्वामी तुलसीदास उदाहरण दिया, ये डंडे स्वरूप श्री लक्ष्मण लाल। बोले झंडा स्वरूप कौन, बोले भक्त राम। बोले झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर, डंडे के ऊपर झंडा, डंडा उठेगा पहले तो झंडा उठेगा, पहले डंडे को उठाओ किसको, लक्ष्मण लाल को, फिर तो राम उठेगा। इतने में दस जनक महाराज खड़े होकर के थोड़ी सी ताना मार दिए, बोले लगता है ये पृथ्वी ये वीर सुन्न हो गया है, अगर मेरे को पहले से पता चलता ये जो पृथ्वी को निक्षत्र किया था परशुराम ने, अगर मेरे को पता रहता ये परशुराम ने पृथ्वी को निखत्रिय कर दिया, निखत्रिय किया था ना, लगता है पृथ्वी को उन्होंने निखत्रिय कर दिया है, इसलिए किसी को अंदर में ताकत नहीं। जिस बेटी जिसको एक हाथ में उठा लेती, इतने बड़े बड़े पहलवान कुछ नहीं कर पाए। इतना जो बोले लक्ष्मण सुन करके उनको संभाल नहीं सके, बोले साक्षात मेरे प्रभु यहाँ पर बैठे हुए, अब यहाँ पर इतने बड़े अपमान की बात। लक्ष्मण तो खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, ये साक्षात मेरे प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये एक टूटे फूटे धनुष की बात कर रहे हैं। बचपन में हम तो खेलते खेलते ऐसे कितने धनुष को हमने तोड़ फोड़ दिए, ये तो भूसा गला हुआ कि धनुष है। आप साधारण धनुष की बात कर रहे हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को एक कच्चा घड़ा के भांति में चकनाचूर कर सकता हूँ, नहीं तो ब्रह्मांड को हाथ में उठा करके करोड़ जोजन तक में चल सकता हूँ। इसलिए आप धनुष की बात कर रहे हो, जब ऐसे बोले सभासद एकदम चुप हो गया इनकी बात को सुन करके। इतने में रामचंद्र ने कहा, चुप बैठो, अगर तुम धनुष को, मेरे को पता तुम कौन है, अनंत देव है, मेरे को पता अगर तू धनुष को तोड़ोगे मेरा फिर क्या होगा। क्योंकि सीता जी को साथ में जब राम लक्ष्मण वाटिका में गए हुए थे, वाटिका जब राम लक्ष्मण पुष्प चयन करने के लिए गए हुए थे, वहां पर माता जानक भी देवी पूजा करने के लिए वहां पर भी आई थी पुष्प चयन करने के लिए। पहला बार राम का जानक के साथ में भेंट हुआ था, प्रभु जानकी को रूप देख करके, जानकी प्रभु का रूप देख करके दोनों प्रभु को पहचान गए, दोनों अपना मन को समर्पित कर दिया था। बोला अगर तू तोड़ोगे तो मेरा क्या होगा, चुप बैठ जा, अभी गुरु जी को तो आदेश देने के लिए दो, हाँ फिर देखोगे। इतने में
गुरु जी ने फिर राम का आदेश दिया, बोले राम जा बेटा, ये जनक महाराज का हृदय में जो ताप, इस ताप को दूर करो। अभी गुरु जी के आदेश को पा करके राम अभी धीरे 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 चल रहे हैं। माता जानकी फूल की माला लेकर के सामने खड़ी हुई, और माता जानकी राम को देख देख करके सोच रहे कि प्रभु राम क्या ये धनुष को उठा पाएंगे। बोले क्यों, उनका मन में शंका क्यों? बोले जब प्रभु सवेरे पुष्प चयन कर रहे थे, वो सवेरे का समय था, सुमंद मंद हवा बह रही थी, प्रभु पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प तो स्वयं समर्पित हो रहे थे प्रभु को हाथों में। उसी समय देखा प्रभु को शरीर से, हाँ, इतने सुकुमार शरीर से पसीना बह रहा था, और इतना बड़ा धनुष को कैसे तोड़ेंगे? अगर प्रभु धनुष नहीं तोड़ पाएंगे फिर मेरी क्या होगी? हाँ, इसलिए इतने में मानो सीता प्रभु की सुकुमारता को सोच सोच करके प्राण त्याग देने के लिए जा रही थी। राम ने देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, ये धनुष तो तोड़ूगा इसीलिए सीता के लिए, ये तो देख रहा हूँ पहले से प्राण छोड़ने जा रही है। इतने में उसकी भावना को समझ करके प्रभु राम जल्दी जल्दी प्रभु राम गए, जा करके पता नहीं कब गए, उनने कब धनुष को उठा दिया, कब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कोशिश किया, और धनुष एकदम दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े हुए, इतने जोर से आवाज हुई जैसे वज्रपात हो गया। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। इतने में सुनयना इतने प्रसन्न हो गई, जनक महाराज बोले सुनयना जल्दी से जल्दी सीता को लाओ, ला करके ले आओ बच्चों को, बोले सीता को जल्दी जल्दी ले आओ। हाँ, अभी सीता को, अभी सुनयना, अभी सीता जी को साथ में, सखियों को साथ में सीता जी बरमला लेकर के आ गई। अभी सीता जी अभी राम का गले में बरमला डालने चाह रही है, लेकिन सीता जी राम के कंधे तक, राम लंबे मुकुट भी पहने हुए, सीता जी अभी माला डालने चाह रही हैं, लेकिन वो हाथ नहीं पहुंच रहा है। इतने में, अरे क्या बात कर रहे हो, इधर सुनो, एक मिनट सुन लो, अरे जाना ले सुनो। फिर अभी सीता जी राम जी के गला में माला डालेंगे, लेकिन सीता तो छोटी सी मुकुट पहने हुई, राम हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। इतने में सीता जी को साथ में जो सखियां थी वो तो साली लगती है, साली तो दामाद को साथ में हंसी लगी करते हैं। इतने में सखियों ने बोले राम थोड़ा सा सिर झुका दो ना, बोले सिर झुका दो, पता नहीं कौन सा वंश में आया, प्राण जाए बरु बचन ना जाए, अभी तक हम कभी किसको चरण में सिर नहीं झुकाए, अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सिर झुका दो। हाँ, इतना हम छोटे थोड़ी सिर झुकाएंगे, हम तो ऐसे खड़े रहेंगे। अभी माता सीता माला लेकर के ऐसे तैसे खड़ी हुई, गला में डाल नहीं पा रही है। इतने में राम लक्ष्मण को आदेश दिया, बोले लक्ष्मण तू तो कुछ कर। बोले प्रभु मैं क्या करूंगा, मैं तो धारण धरे हूँ, लेकिन पृथ्वी तो दो टुकड़े है नहीं, जो आधा को उठा दो और आधा को नीचे कर दो, उठाओ तो दोनों ऊंचा हो जाएंगे, नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचा हो जाए, बोले कर तो कुछ। इतने में लक्ष्मण प्रभु की मन की भावना को समझ करके प्रभु राम का चरण में प्रणाम किया, प्रणाम करेगा उसको उठाना पड़ेगा। इतने में रामचंद्र उठाने के लिए गए तो सिर झुक गया। इतने में माता सीता ने बरमाला डाल दी, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। फिर तो विजय महोत्सव अभी होगा। हाँ, अभी ले आओ बच्चों को, ले आओ तीनों बच्चों को लेकर आओ, आ जाओ, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। एक मर धनुष का ओ बच्चा गोविंद, एक उसका धनुष दे दो, इधर ले आ, इधर आ जा, इधर आ, ये बच्चों को दोनों को कुछ माला पहना दो ना, कुंज का माला पहना, इनको माला पहना, लक्ष्मण तुम दूसरी साइड पे जाओ, ये लोग दैट साइड, अब उसको उसको इधर ले, हाँ ठीक, हाँ इसको इधर ले, हाँ इसको सीता को पहना, हाँ इधर खड़े हो, ले एक एक लाइन से खड़े हो जाओ। हाँ, हरे कृष्णा, अभी 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 खबर भेजा कहाँ पर,
भेजे कहाँ पर खबर, बोले पहला ये खबर भेजा जाए कहाँ पर, अयोध्या में, वहां से अभी बराती आएंगे, अभी दशरथ महाराज बरातियों को लेकर के श्री दशरथ महाराज जब आते हैं, फिर राम सीता की बड़े धूमधाम से राम सीता की शादी होती है, इसलिए अभी शादी के आप लोग भजन सुनो के शादी होता है। आज मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, उसको बता डाले आप निकालो भी निकालो जो बेटा करे हो
सिया दागो राम उग जय माला सिया दागो राम उग जय माला सिया दागो राम रामचंद्र दुल्हा बन आयो रामचंद्र दुल्हा बन आयो Yeah.
की आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी सुहागन की दुनिया लगा दो, तो हाथ
I'm gonna